हमें सफलता नहीं मिल जाती है तब तक आप किसी बात को बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए। जिस दिन हमारे हाथ में शासनादेश होगा, जिस दिन सरकार द्वारा हमारे लिए कोई आदेश जारी हो जाएगा, उस दिन हम आपसे कहेंगे, आप हमसे कहिएगा, हम लोग खुशी मनाएंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक कतई हमें कोई भी उम्मीद बहुत ज़्यादा भी नहीं पालनी। कल श्रीमान निदेशक महोदय से शाम को 6:30 बजे के बाद मुलाकात हुई। कई बिंदुओं पर उनसे विस्तृत चर्चा हुई। जो लोग कह रहे थे कि जब पूरी फाइल बन गई है तो कागज़ क्यों मंगाए गए हैं, तो आप लोगों को शायद पता होगा कि उस समय हमारे निदेशक विधि शिक्षा आदरणीय महेंद्र देव सर थे और इस समय हमारे निदेशक विधि शिक्षा आदरणीय श्री प्रताप सिंह बघेल साहब हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो अंडरस्टूड होनी चाहिए, लेकिन आप लोग तो केवल हर चीज़ का पोस्टमार्टम करने के लिए बैठे हैं, केवल 2-4 लोग, और ऐसे ऐसे कमेंट आप लोग करते हैं कि अगर मैं अभी शिक्षा में साथियों के साथ आपका मोबाइल नंबर दे करके बताना शुरू कर दूं तो पता नहीं आपको कितनी बद्दुआ मिलेंगी। एक तो इतनी भीषण गर्मी में कोई घर से निकलना नहीं चाहता है, ऊपर से जो लोग काम कर रहे हैं आप उन पे उल्टे सीधे कमेंट करते हो, ये कहाँ तक सही है। हमने देखा कि शिक्षा में साथियों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को लोगों ने याची के नाम पर, कोर्ट के नाम पर तमाम प्रकार से बहलाया फुसलाया और उनसे धन उगाही की। आज उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं। और मैं अगर अपनी बात करूं तो लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है मैं लगातार शिक्षा मित्र हित में काम कर रहा हूं। मैंने व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति से अगर एक पैसे की कोई मांग की हो या कोई अपेक्षा की हो तो बता सकता है। हमारी जो भी मदद करते हैं हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष साथी करते हैं, मैं उनका आभारी हूं कि जब भी मैं लखनऊ से बाहर जाता हूं तो हमको जो उनसे हो हमारा सहयोग करते हैं। और लखनऊ में पैरवी के नाम पर मैं किसी से एक पैसा कभी नहीं लिया हूं, सिर्फ और सिर्फ एक। इस नई वीडियो में, ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में वर्तमान की एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आपके स्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब भी कर लें। आप चलते हैं अपडेट पर। मन में इच्छा है, मन में एक भाव है कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हमारे बहुत सारे साथी जिनका मैसेज फ़ोन आता है उनको सुन करके मैं परेशान हो जाता हूँ, और साथ में मैं ही बहुत परेशान हूँ। मेरी भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, इतना परेशान हूँ दौड़ दौड़ कर और सफलता नहीं मिली है कि कुछ कह नहीं सकता हूँ। क्योंकि वही 10,000 हमको भी मिलता है, उसी में हमको भी परिवार चलाना है, रोज पैरवी भी करना है, उसी से पेट्रोल लाना है, उसी से शहर में आकर के पानी भी लेना है। कल मुलाकात हुई श्रीमान निदेशक महोदय से और एक वरिष्ठ अधिकारी से। उन्होंने बताया कि आपका जो प्रपोजल बना था ऊपर से उसको रोका गया था, ऐन चुनाव के वक्त आपका काम नहीं हुआ था। अब आप लोग पैरवी करिए माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय से मुलाकात करिए। जब तक आप इनसे बात नहीं करेंगे, उस प्रक्रिया को जो रुक गई थी उसको गतिमान नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कुछ करने में सक्षम नहीं हैं। क्योंकि ये नीतिगत फैसले हैं, आप लोग नहीं जानते हैं कि सरकार के ऊपर कितना दबाव हर तरफ से है। और उन्होंने कई बिंदुओं पर हमसे हमारी आख्या भी ली, हमसे पूछा भी कि इसको कैसे किया जाए, इसमें ये जोड़ा जाए, इसमें ये घटाया जाए, तमाम बातें हुई। कल रात में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में, मुझे लगता है कि
सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो शिक्षक एमएलसी हैं आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी साहब, उनसे रात में हम लोगों ने 8:30 बजे के आसपास मुलाकात की, उनसे बात की कि सर ये बात है, ये समस्या है, इसको किसी तरह से सुलझाया जाए।